पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रखे रत्नों की रक्षा बड़े बड़े सांप कर रहे हैं। सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लगभग हर हिस्से में इस कहानी को कई बार सुनाया जाता है। अब जब रविवार को दरवाजा 4 दशक से ज्यादा समय के बाद दोबारा खुले तो इस बड़े रहस्य से भी पर्दा उठ गया। खबरें हैं कि अंदर दाखिल होने वालों को कहीं भी सांप नजर नहीं आए, जबकि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। पूरी कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि हमें सांप, कोई कीड़ा या रेंगने वाला जीव बिल्कुल नहीं मिला। खास बात यह है कि सांप मिलने की आशंका के चलते सरकार ने पहले ही 11 सदस्य एक सैनिक हेल्पलाइन तैयार कर दी थी। इसके अलावा किसी भी अनहोनी से बचने के लिए यूनिट के 3 सदस्य रत्न भंडार के बाहर खड़े हुए थे। साथ ही पूरी जिला मुख्यालय अस्पताल को एंटी वेनम का स्टॉक तैयार रखने के लिए कह दिया गया था। स्नेक हेल्पलाइन के महासचिव सुवेंदु मालतिक बताते हैं कि रत्न भंडार खोले जाने तक उपकरणों के साथ पूरी तैयारी में थे। हालांकि कोई सांप नहीं मिलने से हमारी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार की तरफ से संगठित 16 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथ ने कहा कि रत्न भंडार खोले जाने से पहले बेकार ही हाइप तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाई गई थी कि जो रत्न भंडार खोलेंगे उसमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी। हमें सभी रत्न भंडार खोलने के बाद सुरक्षित हैं। फिलहाल पूरी मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। सरकार ने कड़ी निगरानी के लिए राज्य और केंद्र बलों की तैनाती भी मंदिर के आसपास की है। रैपिड एक्शन फोर्स के कम से कम 85 जवानों ने मंदिर के बाहर सुरक्षा संभाली है, जबकि राज्य पुलिस की टीमों ने मंदिर के अंदर की सुरक्षा संभाल रखी है। रत्न भंडार खोले जाने की प्रक्रिया सुबह करीब 10 बजे शुरू होगी। भगवान लोकनाथ को रत्न भंडार का रक्षक माना जाता है, इसलिए लोकनाथ मंदिर में आज्ञा माला होने के बाद ही प्रक्रिया शुरू की गई थी और रत्न भंडार को खोला गया था। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।